हरे कृष्णा। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण को और हमारे आचार्य श्रीला प्रभुपाद को प्रणाम किस तरह किया जाता है, अष्टांग प्रणाम, साष्टांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम, ये सब होता क्या है, माता जी जो लेडीज है वो किस तरह प्रणाम करती है, जो जेंट्स हैं प्रभु हैं वो किस तरह प्रणाम करते हैं, हम सीधा प्रणाम करने की बजाय ऐसे साइड वे में प्रणाम क्यों करते हैं, ये सब सवालों के जवाब जानेंगे। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। दंडवत प्रणाम करने का अर्थ है हम भगवान के प्रति, गुरु के प्रति या कोई भी भक्तों के प्रति अपनी शरणागति दिखा रहे हैं, और प्रणाम करते वक्त हमेशा हमें प्रणाम मंत्र या उनकी जय जयकार जरूर बोलने चाहिए। हमें कभी भी शांत रूप से प्रणाम नहीं करना चाहिए, ये अपराध है। अब देखिए, प्रणाम दो तरह के होते हैं, अष्टांग प्रणाम और पंचांग प्रणाम। अष्टांग प्रणाम यानी कि इसे दंडवत भी कहा जाता है कि हम पूर्णतः सीधे हो जाते हैं, दंडवत यानी कि दंडे की जैसे हम सीधे हो जाते हैं और इस तरह से हम प्रणाम करते हैं। ये सिर्फ भगवान को और आचार्य हमारे गुरु महाराज को ही इस तरह से प्रणाम किया जाता है। अब अष्टांग में आठ चीजें क्या होती है, देखिए, हमारा पैर, घुटना, छाती, हाथ, सिर, हमारा मन, दृष्टि और वाणी, ये आठ चीजों से जब हम प्रणाम करते हैं तो इसे अष्टांग प्रणाम कहा जाता है। अष्टांग प्रणाम में हमारे छाती, हाथ, सिर और पैर ये जमीन को छूने चाहिए, हमारी दृष्टि जो है वो नीचे की ओर रहनी चाहिए, हमारा मन भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए और हमारी वाणी से हमें भगवान के या आचार्य के प्रणाम मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। और दूसरा प्रणाम होता है पंचांग प्रणाम, जिसे हम हाफ ओबीसेंस भी कहते हैं। इस तरह से इसमें हमारे पांव, घुटने और सिर जमीन पर टच होते हैं और मन और वाणी, ये पांच चीजों से हम प्रणाम करते हैं। जो जेंट्स भक्त हैं, प्रभु जीज हैं, वे भगवान और आचार्य के सामने पूर्णतः दंडवत होकर अष्टांग प्रणाम करते हैं, और भगवान के और कोई भी भक्त हैं, सीनियर डिवोटीज हैं या तुलसी महारानी, ऐसे भक्तों के सामने पंचांग प्रणाम करते हैं। और जो माता जीज हैं, जो लेडीज हैं, वे हमेशा भगवान हो, आचार्य हो या तुलसी महारानी और कोई भी भक्त हो, पंचांग प्रणाम ही करती हैं। अक्सर लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि आप भगवान को प्रणाम कर ही रहे हैं पूरी तरह दंडवत होकर, तो इस तरह से सीधा प्रणाम क्यों नहीं करते, आप इस तरह से बेंड होकर प्रणाम क्यों करते हैं। तो इसका आंसर ये है कि जहाँ पर भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान साक्षात विराजमान है भक्तों को दर्शन देने के लिए, तो उनका दर्शन पाने के लिए 33 कोटि देवी देवता भी सामने उनका दर्शन पा रहे होते हैं, हमेशा वो वहाँ पर खड़े रहते हैं, इसलिए उन्हें डायरेक्टली पैर ना लगे, इसलिए सीधा दंडवत करने की बजाय राइट हैंड साइड बेंड होकर डिवोटीज दंडवत पे करते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हरे कृष्णा संगा चैनल को लाइक कीजिए। हरे कृष्णा।